दोस्तों ये है बजाज की पल्सर 150। और अगर आप 2024 में यही बाइक लेने की सोच रहे हैं जिसके फ्यूल टैंक पे बड़ा बड़ा 150 लिखा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ये एक आइकॉनिक डिज़ाइन के साथ आती है, यंगस्टर की एक पहली और या दूसरी पसंद भी बन सकती है। तो देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ 5 से 6 मिनट लूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं इसके 6 अच्छे पॉइंट्स और 6 बुरे पॉइंट्स इसमें कवर करूँगा। लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे मिलके कि इस बाइक को लेनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला पॉइंट है इसका जो कि अच्छा वाला है, उनको पहले कवर करते हैं। द फैंस स्टिल लाइक द आइकॉनिक डिज़ाइन। देखिए, जो इसके फैंस है ना, मतलब कंपनी को पता है कि पल्सर 150 सीसी एक आइकॉनिक डिज़ाइन के साथ आती है, यंगस्टर इसे इसके डिज़ाइन की वजह से सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको ध्यान में रख के कंपनी कोई भी इसके डिज़ाइन में चेंज नहीं करती है और ये अच्छी बात है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, मोस्ट सेलिंग। अब 150 सीसी की पल्सर पल्सर सीरीज में पहली या दूसरी ऐसी बाइक है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, और वजह इसकी यही है कि लोग सबसे ज़्यादा भरोसा पल्सर 150 सीसी पर ही दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट है कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर इस बाइक से अगर आप लंबी दूरी करना चाहते हैं तब भी ये आपको बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देगी, लेकिन सिंगल राइड के साथ, अगर आप अकेले चलते हैं तो, क्योंकि जो पीछे बैठेंगे उनको तसरीफ में जलन होने लगेगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ, वो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल एवरीवेयर। अब इस बाइक की खासियत ये भी है कि अगर इसका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको उसके लिए ना शोरूम पे या फिर किसी सर्विस सेंटर पे भाग के जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी बड़े मोबाइल ऑटोमोबाइल वाले शॉप पे जाइए जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स मिलते हों बाइक के, वहाँ पे आपको इसके ओरिजिनल पार्ट्स मिल जाएंगे, तो उनकी उपलब्धता लगभग हर जगह है। चलिए अगला पॉइंट है, वो है स्टेबल ड्यू टू हाई वेट। अब देखिए, इसका जो वेट है वो 142 kg के ऊपर है, 142 किलोग्राम के ऊपर की ये बाइक है, और ये इसका प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट, मतलब माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये बाइक हैवी होने की वजह से रोड पर बहुत चिपक के बहुत स्टेबल तरीके से चलती है, और माइनस पॉइंट बस उनके लिए इतना है कि जिनको हैवी बाइक नहीं पसंद है, जिनके पैरों में थोड़ा दिक्कत परेशानी है, रिवर्स वगैरह करने में दिक्कत है, बस उनको समस्या है, अदरवाइज और कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट है मॉडर्न फीचर एडेड। इसमें कंपनी ने नए मॉडर्न फीचर ऐड कर दिए हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुली डिजिटल मीटर कंसोल, नेविगेशन और मोबाइल पे कॉल एंड मैसेज अलर्ट्स, साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, मतलब ये जितने भी मॉडर्न फीचर आते हैं वो सब कुछ इसमें ऐड हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये परफेक्ट बाइक भी बन जा रही है। तो 6 पॉइंट्स हो गए अच्छे वाले, अब आते हैं बुरे वाले पे। पहला पॉइंट हैज़ बिकम प्रीटी प्राइजी टुडे। अब देखिए, कंपनी ने फीचर ऐड कर दिए, बाइक को परफेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इस चक्कर में ना उन्होंने कीमत भी एकदम बहुत ख़तरनाक बढ़ाई है। 115,500 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस है इसके टॉप मॉडल यानी कि डुअल डिस्क वेरिएंट की, और वो ऑन रोड आपको 130,000 से 140,000 के बीच में पड़ेगी। तो यकीनन कि अब मुझे ये जो कीमत है ये अब ज़्यादा लग रही है 150 सीसी पल्सर की, इसे कम किया जा सकता है 5 से 10 हज़ार रुपये। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। अगला पॉइंट है पल्सर 125। देखिए, पल्सर 125 सीसी जो आती है वो हूबहू इसी की तरह पल्सर 150 सीसी की तरह दिखती है। अब इससे सबसे बड़ा नुकसान पल्सर 150 सीसी को ही हो रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि 5-10-20 हज़ार रुपये बचा के पल्सर 125 सीसी ले लेते हैं, क्योंकि सेम लुक में आती है, हल्का फुल्का पावर कम है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसी को ले ले रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज बन चुका है, सरदर्द बन चुका है पल्सर 150 सीसी के लिए। अगली चीज़ है फिट एंड फिनिश हैज़ बिकम कम्प्रोमाइज्ड। कंपनी ने ना यहाँ पर यंगस्टर युवाओं के साथ एक खिलवाड़ करना शुरू किया है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, क्योंकि इस बाइक का जो फिट एंड फिनिश है, जो इसके पार्ट्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उस पर कहीं ना कहीं कंपनी अब कंप्रोमाइज़ कर रही है, और मतलब उनकी जो क्वालिटी है ना उसे कम कर रही है और कीमत बढ़ाते जा रही है। यार, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ, वो है हाई टर्निंग रेडियस। इस बाइक को पूरा मुड़ाने के लिए ना 20 फीट से अगर कम की रोड है तो ये जल्दी मुड़ेगी नहीं, और ये चीज़ ना मुझे बड़ी ख़राब लगती है मुड़ाते वक्त, मतलब एक लंबा दायरा हमको लेना पड़ता है। अगली चीज़ है रियर सस्पेंशन कुड बी बेटर ऑन रफ रोड्स। इसका आगे वाला सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलता है जो कि अच्छा है, लेकिन जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो रफ रोड पे आपको यकीनन यकीन दिला देगा कि भाई इसे कंपनी और अच्छा कर सकती है, क्योंकि स्टिप है, थोड़ा टाइट है, अगर वो सॉफ्ट होता ना तो मज़ा आता है।
अगली चीज़ है कि नो एलईडी लाइट्स एज NS125, NS160। अब देखिए इसमें मॉडर्न फीचर तो कंपनी ने ऐड किए, लेकिन एक मॉडर्न फीचर जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है वो है भैया एलईडी लाइट जो कि हेडलाइट में आती है, वो भैया इसमें अभी भी नहीं है। अभी भी आपको हैलोजन बल्ब से काम चलाना पड़ेगा, बल्कि इन्हीं की पल्सर NS125, NS160, NS200 सभी में एलईडी आ चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कंपनी ने नहीं दिया है। तो देखिए भैया यही 6 पॉइंट्स थे जो इसमें ख़राब हैं, और 6 पॉइंट्स मैंने बताए इसमें जो आपको अच्छे मिलते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन में। 5 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है, इसको 6 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो देखिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि भैया देखिए पल्सर 150 अपने आप में एक आइकॉनिक बाइक है। अगर आप पल्सर फैन है तो फिर मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप आंख बंद करके ले सकते हैं। लेकिन इसी कीमत में अगर दूसरी कंपनी की भी बाइक्स आपको मिल जाएंगी, तो अगर आपको लगता है कि जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो खराब पॉइंट्स हैं, अगर उनसे आप प्रभावित हो रहे हैं, वो आपको दैनिक जीवन में इफेक्टेड करेंगे, तो आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा और सारे मायनों में अगर ये कंफर्टेबल है आपके लिए तो आंख बंद करके ले लीजिए, नो डाउट अच्छी बाइक है। और कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरी बाइक की तरफ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो में, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।